सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कर दें। 5, 6, 7, 8 5 मिनट रुकते हैं अपन। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कर दें ग्रुपों में, उसके बाद में अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। सभी युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ कि अपनी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। डी आर चौधरी, जय हिंद जय भारत ब्रदर। रोहित चौधरी, जय हिंद। दाखड़ जाट, अंकित जाखड़ हरियाणा, जय हिंद भाई। हीरालाल जाखड़, जय श्री राम ब्रदर। परमेश्वर कुमावत, हाय जी, बोलिए साहब। बनवारीलाल खिलेरी, नमस्ते। परमेश्वर कुमार, राम राम भाई। भागचंद चौधरी, हेलो। रामस्वरूप गोलिया, राम राम भाई जी। बनवारीलाल खिलेरी, राम राम भाई। रामस्वरूप डागा, राम राम भाई। कानाराम डारा, राम राम भाई। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करते हैं, उसके बाद में अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। सुनील चौधरी जाट सीकर, लोसल मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर, जयवीर तेजा जी। राम प्रकाश सिंह, राम राम भाई। भागचंद चौधरी, जान गया क्या भाई? बिल्कुल जान गए सर। गोपाल जाट, जयवीर तेजा। डी आर चौधरी जोधपुर से, राम राम भाई। परमेश्वर कुमावत बोल रहे हैं कि जोड़ी जी साहब। चेतन शर्मा, राम राम भाई। पोस्ट को शेयर कर दें सभी मित्र। हाथ जोड़ के निवेदन है, उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आज आपको पता होगा लाइव आने के पीछे क्या पर्पज है। कुचामन सिटी, शिक्षा नगरी के नाम से जाने वाली कुचामन सिटी, 2008 से वहाँ पहली डिफेंस एकेडमी का आगाज हुआ और 2015 तक बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है कुचामन सिटी का, काबिले तारीफ, बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। फिर एक खुली, दो खुली, तीन खुली और ऐसे करके आज डिफेंस के मामले में राजस्थान ये नहीं, जबकि अपन अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफेंस एकेडमियों का श्रेय कुचामन सिटी को जाता है। और सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन का श्रेय भी अपने कुचामन सिटी और सीकर, और सीकर के बाद में इधर अपने चिड़ावा पड़ता है, चिड़ावा में जाता है बिल्कुल। राम राम शाह मुकेश जी, बिल्कुल राम राम शाह। कुचामन में अगर अपन बात करें तो कुचामन में 100 से अधिक डिफेंस एकेडमियां हैं, लेकिन अगर अपन मूलतः 10-12 डिफेंस एकेडमी हैं जिनका खुद का रेजिडेंशियल सिस्टम है, रेंट पे तो साल में 10 खुलती और 10 बंद होती है। तो अगर अपन रेंट की बात नहीं करेंगे, भाई कौन सी एकेडमी रेंट पे चल रही है उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो एक ठेले की तरह है, उनकी अपन बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे आज एक कुचामन की जिनका खुद का रेजिडेंशियल है और उनका ठीक रिजल्ट रहता है, उनकी बात करेंगे। तिलोक चौधरी, राम राम जी। रामदियाल, रामदियाल, राम राम जी। पोस्ट को शेयर करते रहे सभी मित्र। कुचामन में आज से
चार साल पहले 2017 की बात है, मैंने अपने छोटे भाई राकेश जाखड़ को वहाँ पे भर्ती करवाया था कर्नल डिफेंस एकेडमी में, और उसके साथ में 4-5 लड़के और थे। एक अपना छोटा भाई प्रेमसुख जाखड़ है जो अभी इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है, वो भी उसके साथ में था। उसने तो 2-3 महीने बाद में छोड़ दिया था एकेडमी को, इधर सीकर आ गया था और यहाँ पे उसने प्रिपरेशन की थी। उसके बाद में 3 साल का एग्रीमेंट, कुचामन में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं गारंटी पीरियड। एक ही बात नहीं है, 8-10 एकेडमियाँ हैं वो सभी ये सिस्टम चलाती है, जिसमें ये फ़ायदा रहता है कि अगर बच्चा 3 साल में सेलेक्ट हो जाता है तो उसका GST वगैरह निकाट के उसको वापस रिफंड मिलता है। मतलब 18% GST काटते हैं और उसके बाद में बच्चे को वापस रिफंड मिल जाता है। उसमें फ़ायदा गार्जियन के ये रहता है कि 3 साल में बच्चा, जैसे 3 लाख रुपए का एग्रीमेंट कई जगह 2.5 लाख में चलाते हैं, कई जगह 2 लाख में चलाते हैं, और आज से 2017 में उस टाइम में 1.5 लाख का चलता था। तो बहुत से एकेडमी हैं जिनका सिस्टम बहुत ही शानदार है। मैं बात करूंगा क्या डिफेंस एकेडमी की जहाँ पे मैं काम करता हूँ। मैं 2 साल से वहाँ मार्केटिंग कर रहा हूँ फील्ड में, मैं और मेरे साथ में एक मेरा मित्र है चेनाराम डूडी रूपनगढ़ का, वो मेरे साथ रहता है। 2 साल से हम फील्ड में उतरते हैं, राजस्थान का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे हम गए नहीं, मतलब वहाँ का हमें कोई माइनस पॉइंट नहीं मिला। आज तक किसी गार्जियन ने मेरे को ये नहीं बोला कि सर हमारे बच्चे का ये पेमेंट बाकी है और आप हमें पेमेंट दीजिए। कर्नल डिफेंस एकेडमी की बात करूँगा, शायद मेरे लाइव को कर्नल डाका देख रहा है, तो डाका साहब 2 महीने हो गए आपने जैसे मेरे को तारीख पे तारीख दी, मैं इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करता गया, चलो ठीक है कोई ना, कल बात करेंगे परसों बात करेंगे। और अब मेरे को पैसा नहीं चाहिए कर्नल साहब, पैसा मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को तो वो करना है जो लोग चाहते हैं, ठीक है, मेरे को तो वो करना है जो लोग चाहते हैं, आपके आस पड़ोस चाहता है, आपके पड़ोसी लोग हैं वो चाहते हैं, मेरे को वो करना है। और तो मार्केटिंग में गए थे मैं और मेरा एक मित्र चेनाराम डूडी रूपनगढ़ गया, अभी RS की तैयारी कर रहे हैं वो जयपुर। वो उससे पहले की अगर बात करूँ तो कैरियर डिफेंस एकेडमी में रहता था, वहाँ पे था मेरे पास प्रकाश रुलानिया, जो मयूर डिफेंस एकेडमी है बेगाराम जी कुकड़ा, उनके वहाँ काम कर रहा है वो बंदा। तो मार्केट में कम से कम 3 दर्जन लोगों ने हमें हमारा पता पूछा गया कि साहब कहाँ से आए हो, तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी के आगे प्लेट वो पट्टी लगी हुई होती है भाई, जैसे क्या डिफेंस एकेडमी है, कौन सी डिफेंस एकेडमी है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। पूछा गया तो बता दिया भाई हाँ कुचामन से हैं सर, इस एकेडमी से हैं। तो आपको क्या बताएं, सोशल मीडिया पर ये बात थोड़ी उचित नहीं है बोले तो उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, गाड़ी की चाबी निकाली गई वहाँ पे, बोला कि कर्नल एकेडमी है, कर्नल एकेडमी के द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और पैसे हैं वो पैसे हमें नहीं दिए गए, गारंटी पीरियड का नाम लेके पैसे हमें नहीं दिए गए वापस, 3 साल वहाँ बच्चा रहा उसके बाद में पैसा नहीं मिला। तो हमारा जवाब उनको ये जाता है कि सर ऐसे कैसे पैसा क्यों नहीं मिला आपको, कि वो हमें गारंटी की का लालच देते हैं। और एक बात बताऊँ, बाड़मेर साइड, बीकानेर साइड, जोधपुर साइड, इस साइड का युवा, अपने शेखावटी का युवा, तो फिर भी युवा और उनके गार्जियन हैं दोनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हैं। और इधर शिक्षा का भी जैसे स्कोप है वो ठीक है, तो ग्रेजुएट हैं यहाँ के युवा और उनके जो मतलब अभिभावक हैं वो सब ग्रेजुएट हैं। तो वहाँ पे अगर पूछा गया, शेयर सभी मित्र शेयर कर दें पोस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 163 जने देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का तो वहाँ पे क्या होता है कि कुचामन के नाम से बच्चे को ऐसे भेजा जाता है, मेरे को 2-3 जगह बताया, मैंने बोला कि सर आप कुचामन बच्चों को ऐसे कैसे भेजते हो, एक बायतू जगह आती है अपनी बाड़मेर में, वहाँ पे बैठे थे चाय पी रहे थे, तो वो ये बोलते हैं कि
उधर शादी भी जैसे 16-17 साल की 18 साल 20 साल तक लगभग लोगों की शादी कर दी जाती है। तो वो एक कुचामन को ये मानते हैं कि ये कोई आर्मी सेंटर है या एयरफोर्स का सेंटर है या नेवी का सेंटर है। मतलब यहाँ उनकी लैंग्वेज ऐसी है बोलने की, वो ये बताते हैं कि हमने बच्चे को कुचामन ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया है। मतलब उनकी तरफ से ये गारंटी का नाम लेते हैं, तो उनकी ओर से मतलब वो श्योर रहते हैं कि हमारा बच्चा 100% लग गया, नौकरी लग गया, साल दो साल तीन साल में उसको ज्वाइनिंग आ जाएगी और वो वहाँ से निकल जाएगा। गारंटी के नाम पे उन्होंने बताया कि हमसे गारंटी के नाम पे पैसे ऐंठे गए, वापस पैसा मिला नहीं। तो मैंने उनको ये बताया कि देखो साहब, कुचामन में तो 100+ डिफेंस एकेडमियाँ हैं, अगर आप हमें बोलोगे तो मैं किस किस का पैसा चुकाऊंगा। हमारी एक एकेडमी का अगर ऐसा व्यवहार है, अगर ऐसी कोई बातचीत है, तो आप हमें बताएं, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। फिर मैंने कर्नल साहब को फ़ोन किया, कर्नल साहब को फ़ोन किया तो कर्नल साहब ने बोला मेरी बात करो। मैंने कर्नल साहब से बात करी तो कर्नल साहब ने बोला ठीक है आप यहाँ आ जाओ। मैंने बोला कर्नल साहब हमें यहाँ पे पकड़ लिया गया है, हमारी गाड़ी की चाबी है वो निकाली गई है और वो बोल रहे हैं कि कुचामन वाले सब चोर हैं। तो एक आदमी की वजह से अगर पूरा कुचामन बदनाम हो रहा हो तो मेरे ख्याल से मतलब अगर एक मछली पानी को गंदा कर रही है तो उस मछली को ही निकाल दे तो ठीक है, पूरे तालाब को गंदा होने से बेटर ये है। तो मैं सुबह से कर्नल साहब से 10 बजे कर्नल साहब के साथ में बैठा था। मैंने बोला कर्नल साहब आप हाँ या ना का जवाब दो, बच्चों के साथ जो कर रहे हो आप ये नहीं जानते, आपका स्टाफ जो मार्केटिंग में उतरता है उनसे पूछिए आपका मार्केट कितना ख़राब है। भाई मेरी सोच में मेरी एक ही सोच है, मैं ये कहता हूँ, मैं जहीं पे जहाँ पे भी काम करता हूँ मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो साहब बच्चा रहा ठीक है, अगर नहीं रहता है तो उसके 5,000-10,000 जिस हिसाब से अपना चार्ज रहता है वो चार्ज काट के बच्चे को वापस सेटिस्फाई करके वापस घर भेज दो। कर्नल साहब से मेरी कम से कम 2 महीने बातचीत हो रही थी। मैंने साहब मेरा हिसाब करो ना, नहीं होगा आज नहीं मुकेश जी, आप परसों आओ, 5 दिन बाद में आओ। युवा साथी 191 पोस्ट को शेयर कर दे भाई, पोस्ट को शेयर करते रहे। तो ऐसे तारीख पे तारीख देते गए और मैंने कर्नल साहब को एक चैलेंज किया था, मैं तो कर्नल साहब मेरे साथ सैकड़ों युवा जुड़ेंगे और आप ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो वो काम करना है जो आपके पड़ोसी चाहते हैं। इतने दिन मतलब आज सुबह 10 बजे तक तो हमारा ये बातचीत थी, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था। कल सुबह मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पे, कर्नल साहब का फ़ोन आया कि रात को मेरे को 10 बजे तक का टाइम दिया जाए, बिल्कुल आपको टाइम दे रहे हैं। फिर उसके बाद में रात को मैं 10 बजे कर्नल साहब के पास गया, कर्नल साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं कर्नल साहब के पास गया, कर्नल साहब आपका फाइनल डिसीजन क्या है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ हाँ या ना, आप हाँ बोलो ना बोलो ये है आपके सामने, पैसों की बात दूर की बात है, करूँगा टाइम दे तो 2 महीने बाद में करूँगा, 3 महीने बाद में करूँगा। मतलब एक गरीब किसान, मैं अपनी नहीं बता रहा सभी साथियों की बता रहा हूँ, बिजनेसमैन का बच्चा कभी भी नेवी एयरफोर्स आर्मी की प्रिपरेशन नहीं करेगा। आप सब जानते हो वो उसको एक ऐसा बिजनेस करा के दे देगा कि चलो ठीक है भाई, वो है कि वो सेल्फ डिपेंड है। एक गरीब किसान, अब एक क्या नाम था, महेंद्र नाम था शायद मेरे ख्याल से, महेंद्र है कोई अजमेर साइड का बच्चा, उसके घर पे मैं गया, उसके घर की कंडीशन मैं आपको बताऊं तो मेरे को खुद को दया आई उस चीज़ की। उसका पिताजी है वो कारीगर है, नहीं कारीगर के साथ में काम करता है, 450 रुपये दिन की दिहाड़ी करता है वो, और उसने जैसे तैसे करके मतलब 1.5 लाख रुपए कर्नल साहब को जमा करवाए। बच्चा 3 महीने रहा, 3 महीने रह के बच्चा वहाँ से चला गया, उसको पैसों के लिए मना कर रहे हैं। मैंने ये बात भी रखी कर्नल साहब के सामने, साहब चलो हमारी बात छोड़ो आप, वो बच्चा है वो कितना लाचार है मेरी बात बताओ। अभी उस बंदे के मेडिकल अनफिट था, एक बच्चे एक केस ऐसा भी आया कर्नल साहब का कि कलर विजन किसे बोलते हैं, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आंखों की एक ऐसी है जिसमें बहुत सारे अगर कलर हो उसके अंदर अपन एक अलग कलर को पहचान नहीं सकते, उसको बोलते हैं कलर विजन। उस बंदे की कलर विजन था, कर्नल साहब ने उसका एडमिशन लिया है, कुचामन की किसी डिफेंस एकेडमी ने उसका एडमिशन नहीं लिया, कर्नल साहब ने उसका एडमिशन लिया है। उसके बाद में एयरफोर्स की बच्चा भर्ती देखता है और भर्ती में कलर विजन में उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कर्नल साहब, हम आपसे जवाब मांगते हैं। और एक आगामी 1 तारीख को मैं अपने युवा साथियों के साथ मिलूंगा, कर्नल साहब आपको जो करना है वो कर लेना। बच्चों का जो, मैं ये नहीं कहता कर्नल साहब आपको 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख दिए, 2.5 लाख दिए, आप पूरा करो, बिल्कुल जो नियम है कायदे हैं उस कायदे के हिसाब से करो आप भाई,
चलो 18% जीएसटी है, बिल्कुल काट दो 18%। पहली बात तो अगर आप जीएसटी की अगर बात करते हो तो आपके पास जीएसटी नंबर होंगे, और जीएसटी का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, अगर माना कि अभी आपके आपके पास से 500 लड़के हैं, तो 500 लड़कों का जितनी फीस आई है, जितनी फीस आई है, उस फीस की 18%, जैसे लाख रुपए का 18,000 रुपये सरकार के पास गया कि नहीं गया, इस चीज़ का प्रूफ भी हम आपसे लेंगे, क्योंकि आपको धोखाधड़ी करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। और अकेला मैं नहीं हूँ कल साहब, मैं आपको ये अच्छे से बता रहा हूँ, मेरे साथ युवा साथी जुड़ेंगे, और कुचामन सिटी की जो शिक्षा नगरी के जो दाग लगा है, उस दाग के लिए मैं सभी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कुचामन डिफेंस एकेडमी के विनोद जी पोड़ हैं, उनको भी बताना चाहूँगा, अपने हितेश्वर जी, बड़े भाई साहब हितेश्वर जी जाकर हैं क्या डिफेंस एकेडमी के, उनको भी कहूँगा, इधर टैगोर के सुल्तान जी है, उनको भी बताना चाहूँगा, मयूर डिफेंस एकेडमी है बेगाराम जी कुगना, उनको भी बताना चाहूँगा, और ओमकार डिफेंस एकेडमी ओम प्रकाश खंडेलवाल है, राजस्थान डिफेंस एकेडमी अपने राकेश जी हैं, सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आगामी दिनों में आपका फ्यूचर है वो मतलब अंधकार में दिख रहा है मेरे को। आप इस हिसाब से अगर मतलब राजस्थान के किसी भी कोने में, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, बाड़मेर में एक जगह है धोरीमना, तहसील आती है धोरीमना, धोरीमना के आगे आ जाता है केकड़, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहाँ पर, उस केकड़ का एक सारण सारण नाम का लड़का, वहाँ पर भी मेरे को कर्नल का मतलब कर्नल डिफॉल्ट मिला, वहाँ वहीं पर भी पूछा कि क्या बात है, ये बात है बच्चा रहा पैसे नहीं दिए। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कर्नल साहब, अगर आपके साथ आपके पास 10 दिन अगर बच्चा रहता है तो आप उसके 5,000-10,000 काट लो, बाकी का जो आप एडवांस रखवाते हो वो आपको रिफंड करना ही पड़ेगा प्रत्येक प्रत्येक स्टूडेंट जो आपके पास रहा है, और 3 साल में जो स्टूडेंट रहा है उस 3 साल के स्टूडेंट का आपको रिफंड करना ही पड़ेगा, ये बात है। अच्छे से करो तो ठीक है, वरना युवा साथी है और यूथ आज जिस साइड चलता है जमाना उस साइड चलता है, अपने बड़े भाई साहब ओकार जी मुंड बोलते हैं इस बात को। तो अपन उस बात पे थे, मतलब राजस्थान के किसी भी जिले में गए, इधर नदवई भरतपुर की तरफ, नदवई की तरफ गया वहीं पे भी कर्नल साहब हैद है, मतलब चमक रहे हैं कर्नल साहब, बहुत अच्छे से चमक रहे हैं। कर्नल डिफेंस अकेडमी है वो, मतलब पंख ले रखे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो साहब पंख को कटते हुए टाइम नहीं लगती, मैं हम आपको ये बात बता दें, वो सीकर का हूँ मैं कर्नल साहब, आपको जो करना है वो कर देना, हम हर वक्त तैयार रहेंगे। और अभी तो मैं वैसे मैंने पार्टी चेंज कर ली है, पहले मैं कॉमरेड भी रहा हूँ, तो कॉमरेडों को रोड पे तंबू लगाते टाइम नहीं लगता, ठीक है ये बात है। और एक चीज़ और है, कुचामन में गारंटी की बात बहुत चलती है, गारंटी क्यों कर्नल साहब, भर्ती आप करवा रहे हो क्या, नेवी एयरफोर्स आर्मी ने आपको दे दिया क्या पूरा टेंडर, भाई कर्नल साहब आप जिसको चाहो उसको भर्ती करवा दो, गारंटी किस चीज़ की होती है, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ, किस चीज़ की गारंटी है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ आप लाइव देख रहे हो, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, गारंटी होती है सिर्फ खाने रहने की और क्लासों की, हमारी एकेडमी का सिस्टम है साहब, बताऊँ मैं, बच्चा आता है गारंटी का ऑप्शन उसको उस मतलब बच्चे के सामने इस हिसाब से रखते हैं कि उसको रियायत मिल जाए, 3 साल बाद में वो यहाँ वहाँ से जाए तो उसको लाख रुपए रिफंड वापस मिल जाए। और गारंटी किस चीज़ की है, गारंटी होती है खाने पीने की, इंक्वायरी अगर आपके सामने आती है तो इंक्वायरी को आप एक ही बात बोलो कि देखो साहब सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, हमारे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। भाई गारंटी किसको बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो वो उस चीज़ की अपन बोले गारंटी है, सुबह 9 बजे आने वाली बस है वो 9 बजे नहीं आएगी, अगर रास्ते में टायर उसका पंचर हो गया तो वो 9:30-10 बजे पहुंचेगी, उस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। गारंटी के नाम पे बच्चों से पैसे ऐंठते हो, चलो कोई ना वहाँ तक भी ठीक है, वापस पैसे देते नहीं हो, इससे पूरी कुचामन सिटी की साख खराब हो रही है साहब। और कर्नल डिफेंस एकेडमी में जो काम करने वाले स्टाफ उनको मैं बता दूं, अब की बार आप मार्केट में उतर के देखना, आपका स्वागत अगर जूतों से नहीं हो तो मेरा नाम चेंज कर देना। एक चीज और है, मतलब गरीब परिवार या मिडिल परिवार का गार्जियन जब वहां जाता है तो क्या होता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं वो इंग्लिश में, जिसको गार्जियन पढ़ नहीं पाता है कि उसका मतलब मीन्स क्या है, गार्जियन नहीं उसको नहीं पढ़ पाता है, वो तो गार्जियन से साइन करवाते हैं और फ्री, गार्जियन से पैसे लिए गार्जियन को बाय बाय, ठीक है।
आज सुबह क्या है बता दूं मैं आपको, मैं गया तो कर्नल साहब ने मेरे को एक घंटे वेट करवाया, जबकि अगर मैं वहाँ एडमिशन लेके जाता तो मेरे को ये बोलते कि बिल्कुल आओ सर मुकेश जी पहले आप आओ। ऐसा क्यों? उसके बाद में एक चीज़ और है, कर्नल साहब मेरे को बोलते हैं कि मुकेश जी आप 10 बच्चे का एडमिशन करवा दो, मैं एक बच्चे के 10,000 के हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन रिफंड के नाम से मेरे पास पैसा नहीं है। कर्नल साहब मैं 3 बच्चों 4 बच्चों की ज़िंदगी है ना उनको दांव पे लगा दी है, अब मैं नहीं चाहता कि किसी और गरीब का बच्चा आपके पास आगे खराब हो। आज से 4 दिन पहले की बात बताऊंगा आपको, गया था कर्नल साहब का टाइम दिया था, मैं टाइम पे पहुंच गया, रात को बच्चों ने सीसीटीवी कैमरेज के साथ कुछ छेड़छाड़ कर ली, बिल्कुल नादान है, 12वीं पास करके बच्चा वहां जाता है तो बिल्कुल ये है कि वो एकदम मैच्योर नहीं हुआ है, बच्चा वहां जाता है, बच्चे को रात को वो सीसीटीवी कैमरा है उसको हिला दिया जाता है, सुबह देखते हैं वहां पे संजय जी सर, उन्होंने देखा कैमरे को, चेक किया, बच्चों को बाहर बुला लिया, बाहर बुला के क्यों किया क्या किया तो बच्चों ने बोल दिया भाई सर गलती होगी, और बिल्कुल गलती होती है तो उसको ये है कि 1 2 3 4 5 कंप्लेंट तो अगर उसने किसी का मर्डर नहीं किया है और किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है भाई, उसके साथ ऐसा बिहेव, उस बंदों के साथ बिहेव जो किया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनको अप्लीकेशन दी गई, एक एक 4 लड़के थे, चारों को एक एक अप्लीकेशन दी गई, उन पर बोला गया कि आप इस हिसाब से लिखो कि सेवा में श्रीमान ये कल्याण डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी, मेरा ये नाम है और मैं यहाँ अपनी स्टडी कर रहा हूँ, मैंने रात को सीसीटीवी कैमरा है उसको छेड़छाड़ की है, तो कल्याण मतलब एकेडमी मेरे को जो प्लेसमेंट दे रही है वो मेरे को एक्सेप्ट है, और एकेडमी का प्लेसमेंट ये है कि हम चार लड़के थे हम चारों को यहाँ से रेस्टिगेट किया जा रहा है, और हमारे जितने भी जो पैसे थे वो पैसों का आज तक हिसाब हो गया है, अब हम कर्नल साहब कर्नल डिफेंस एकेडमी में 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं, और इसी के मतलब नीचे आज्ञाकारी आपका ये ठीक है, और उन बच्चों के साथ ऐसा बिहेव किया गया, मतलब प्लेसमेंट दे देते चलो ठीक है, 1-2 उनको मार देते, थोड़ी देर उसको कुछ कर लेते, बैंड वगैरह करवा देते हैं, फिजिकल प्लेसमेंट दे देते उन बच्चों को, लेकिन ये क्या, ये मतलब मत गार्जियन अगर देखें इंक्वायरी आई हुई है वो देखें तो शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और अगर ऐसा ही माहौल रहा कर्नल साहब तो अपनी ये बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों में कबूतर वो फड़फड़ाते हुए नजर आएंगे आपको। तो कोई भी युवा साथी जिस किसी का भी पैसा वो रिफंड बाकी है 2014 के बाद में, कर्नल डिफेंस एकेडमी 2014 को शुरू हुई थी और अभी जैसे चल रही है, तो जिस किसी भी युवा साथी का अगर रिफंड बाकी है तो आप 1 तारीख को अपने कुचामन सिटी में अपन सभी युवा साथी कर्नल साहब से जवाब मांगेंगे, SDM को ज्ञापन देंगे, और मेरा प्रोग्राम रहेगा 2-3 दिन बाद में नागौर जाने का, नागौर कलेक्टर को भी ज्ञापन देने का। मतलब बहुत शर्मनाक, मैं ये बताऊं आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से जिस हिसाब से कर्नल डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर कर्नल नंद किशोर डाका है, हाँ एक चीज और बताऊं, कर्नल नंद किशोर डाका है वो BJP से डीडवाना विधानसभा है वहाँ से चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो आगामी 2023 में भी आपको मिल सकते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखना। और पैसा आए चाहे नहीं आए, हर 7 दिन से 7 दिन में आपको फेसबुक पे मिलूँगा, किसी के ना किसी कर्नल के संबंध में पोस्ट में लेके मिलता रहूँगा, क्योंकि कर्नल साहब को हिसाब देना ही पड़ेगा, गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब किसान। कर्नल साहब से मैं पूछूं, कर्नल साहब आप एक दिन खेत के अंदर निनान करके देखिए, एक दिन आप हमारे घर आइए, अब की बार खूब फसल की हुई है, एक दिन लावणी करा के देखिए, जो आपकी मुछ है इस हिसाब से है ना ये लटक जाएगी पसीने से। कुचामन की साख को खराब करने में कर्नल नंद किशोर डाका ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैं पहले भी बोल रहा था और अभी बोल रहा हूँ, और कर्नल नंद किशोर डाका को जितने भी बच्चे वहाँ रहे हुए हैं उन बच्चों का हिसाब करना ही पड़ेगा,
आज नहीं तो 6 महीने बाद में, 6 महीने नहीं तो 12 महीने बाद में, और 12 महीने जो नया सेशन आ रहा है उस टाइम कर्नल नंदकिशोर ढाका को हिसाब करना पड़ेगा। ये बात है अपने कर्नल नंद, वो कर्नल डिफेंस एकेडमी में राम गोपाल जी हैं, काम करते हैं, अपने बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने अच्छे से समझाया, देखो राम गोपाल जी कहीं अपना व्यवहार ख़राब नहीं हो जाए इनके चक्कर में, तो बोला क्या बता सकते हैं रोमके जी। उन्होंने भी कर्नल साहब से जैसे तैसे बात की, भाई चलो बच्चा मिलने वाला है, और मिलने वाली क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। भाई मैं कुचामन के प्रत्येक डिफेंस एकेडमी को एक ही बात बोलूँगा, आपके पास बच्चा रहता है ठीक है, अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में बच्चा नहीं रहता तो आप उसका 5,000 10,000 जितना आपका चार्ज है उतना चार्ज काट के बाकी का बच्चा गार्जियन को रिफंड करो, ताकि गार्जियन के प्रति आप मतलब ये है कि गार्जियन दूसरे लड़के को भी कोऑपरेट करें कि यार उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप उनके पास एडमिशन लीजिए, तैयारी कीजिए, और आपके पैसे भी सेफ हैं, आपका बच्चा भी सेफ है, हर चीज़ सेफ है। एक और बात बताऊँ, अंकित हरियाणा के नाम से, अंकित जाखड़ के नाम से हरियाणा सिरसा का एक बच्चा है, उसके फ़ोन में मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे, मतलब युवाओं के साथ जहाँ पे बच्चों के साथ खाना बनाते हुए बच्चों का फ़ोटोज़ हैं, खाई देते हुए बच्चों के फ़ोटोज, मतलब मेरे को देख के अजीब अचरज में पड़ गया, हमें खाई देते हुए बच्चों का वीडियो है, ट्रैक्टर चलाते हुए बच्चों का वीडियो है, पंखे साफ करते हुए का बच्चों का वीडियो है। क्यों कल साहब स्टाफ नहीं रखते क्या, फोर्थ ग्रेड स्टाफ नहीं रखते क्या, इस चीज़ का जवाब दो मेरे को। लोकसभा चुनाव की बात हो तो कर्नल डिफेंस एकेडमी के 50 युवा आपको 15 दिन से प्रचारों में मिलेंगे, जो कंटिन्यू 15 दिन घर पे हैं, मोबाइल बच्चे रखते नहीं है, घर वाले फ़ोन करें तो कहाँ करें, डिफेंस के फ़ोन पे फ़ोन करता है तो बच्चे का भी टेस्ट चल रहा है। जवाब इनका ये था कि बच्चे का भी टेस्ट चल रहा है, हम बच्चे से बात नहीं करवा सकते। विधायकों के चुनाव की बात हो तो कर्नल डिफेंस एकेडमी के 50 लड़के विधायकों के चुनाव में लगे हुए थे, तो कर्नल डिफेंस एकेडमी का स्टाफ देख रहा है मेरे को। मैं आपसे बता दूं, 1 तारीख से पहले पहले जितने भी लड़कों का बाकी है, कर्नल साहब को अच्छे से समझा के अगर समझौता करने को तैयार हो तो मैं तैयार हूं। मैं प्रत्येक बच्चे को, मैं ये नहीं कहता कि पूरे के पूरे पैसे दो आप, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा, और कोई भी युवा साथी अगर कुचामन डिफेंस मतलब कुचामन सिटी में अगर एडमिशन ले तो मैं आपको बताऊं क्या डिफेंस एकेडमी, कुचामन डिफेंस एकेडमी, राजस्थान डिफेंस एकेडमी, मयूर डिफेंस एकेडमी, ओमकार डिफेंस एकेडमी, ऐसी बहुत सी एकेडमी है जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो। आप भी सेफ, बच्चे भी सेफ, हर चीज़ सेफ है, और इन डिफेंस एकेडमी में भी अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो पहले आप बातचीत करो उनसे, बताओ कि साहब ये बात है, मैं इतने दिन रहूँगा और ये तो आगामी मीटिंग में मैं बिल्कुल शामिल रहूँगा, कुचामन डिफेंस एकेडमी की एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की अगली मीटिंग में मैं शामिल रहूँगा और मैं बताऊँगा सबको, कर्नल साहब को बताऊँगा, प्रत्येक डिफेंस एकेडमी में बताऊँगा। कर्नल साहब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, नंदकिशोर ढाका साहब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलना है तो आपको कुछ ना कुछ अपने सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि जो साहब ऐसे करते हैं ना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। अंकित जाकर बोल रहा है कि वसुंधरा के आने पर जो पोस्टर फाड़े गए उसके अंदर हमें भी शामिल किया गया। जी जी बिल्कुल, आप तो सक्रिय कार्यकर्ता थे वहां के, अंकित जाकर आप तो पूर्ण रूप से समर्पित थे।
राम नारायण राठ बोल रहा है कि भाई साहब ये तो आपकी पर्सनल दुश्मनी लगती है कर्नल से। तो मेरे भाई अगर पर्सनल दुश्मनी होती तो मैं लाइव नहीं आता। कर्नल साहब ने मेरे को बताया है, मेरे को दिया है, अल्टीमेट दिया है कि आप इस हिसाब से मेरे से पैसे ले सकते हो। मैं उस पर भी चलने के लिए तैयार था। मैंने अंकित जाखड़ का भी वहाँ पे जिक्र किया है कर्नल की मीटिंग में। मैंने बोला कि सर आपने उसका भी रिफंड नहीं दिया। तो पर्सनली दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है तो सर आप मेरे लाइफ से हट सकते हो और आप मार्केट में पूछना अपने आस पड़ोस में। मतलब कर्नल के पास राजस्थान के 33 जिलों में से जितनी भी उनके उपखंड हैं वहाँ के आसपास के, मतलब एक पंचायत का एक लड़का कर्नल के पास आज रह चुका है, और उसके साथ में क्या किया गया वो आप उस बच्चे से पूछ सकते हो। कर्नल साहब ने मेरे को फाइल दिखाई रिफंड वालों की, क्यों देखो मुकेश जी मैंने इन इनका रिफंड किया है। तो क्यों कर्नल साहब आपने मेरे को 50 लड़कों की या 100 मैक्सिमम 100 लड़कों का शायद मेरे ख्याल से उसके अंदर डाटा था, तो क्यों 100 लड़के आज तक आपने गारंटी पीरियड मिली है क्या? 2014 से लेके 2021 आ गया, 2021 में एक साल कोविड की वजह से रह गया, चलो कोई ना, मतलब 6 सालों में आपने मेरे ख्याल से 3,350 लड़के आपने पढ़ा दिए हैं, और 3,350 में से मैं ये मानता हूँ कि आपने 1500 से लेके 1800 बच्चे हैं वो गारंटी पीट गए हैं। तो गारंटी पीट गए 1800 बच्चे, तो फिर 100 का ही डाटा क्यों आपके पास, इस चीज को बताओ आप। सभी युवा साथियों का चलो मैं अपने लाइव को खत्म करना चाहूंगा। अभी आपको बता दिया है हर चीज, और फिर एक दिन 1 तारीख से पहले, और अब बीच में एक बार लाइव अपन हो रहेंगे, और 1 तारीख को अपना रहेगा कुचामन में। युवा साथी हैं जितने भी जिनके साथ नाइंसाफी हुई है वो सभी युवा साथी हैं, आप पधारो, उनके लिए रहने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था मैं अपनी तरफ से करूँगा सभी की, तो आप पधारो। और हमारी मांग है, अपनी मांग को अपन उनके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको मतलब मैं हर संभव आपकी मतलब मदद करूंगा, ये बात है। चलो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय भारत।